जिंदगी तथा बेहोशी के झटके कैसे ठीक करें, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन में लोग हमें कॉल करके पूछते हैं कि उनको प्रॉब्लम जो है उसके लिए क्या सोल्यूशन है, क्या दवाइयाँ हैं। फिर ऑनलाइन में व्हाट्सएप कॉल्स होते हैं या जूम के ऊपर हम कॉल करते हैं। एक्चुअली एक व्यक्ति ने मुझे कॉल करके उसके बेटे को फिट्स कैसी आ रही थी, मिर्गी के झटके बता दिया कि देखो ऐसे इस तरह की उसके झटके आते हैं, देखो ये लड़का ऐसा है, अभी इसका क्या करना है। तो एक्चुअली ये जो लड़का है जिसके बारे में इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उसका ऐसा था कि उसको महीने में एक या दो बार मिर्गी के दौरे आते या झटके आते। और झटके मतलब क्या होता है कि अचानक वो ऐसा आवाज़ करता है और ऐसा आवाज़ करके ऐसा मुंह टेढ़ा करेगा और ऐसा मुंह टेढ़ा करके धीरे 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 झटके चालू हो जाएंगे और वो गिर जाएगा। गिर जाता है, उसको बेहोश हो जाता है, हाथ पैर झाड़ता है, ऐसे झटके ऐसे 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 झटके करेंगे और वो एक 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक वो झटके चलेंगे और बाद में फिर वो शांत हो जाता है, ढीला पड़ जाता है और बाद में बेहोश रहता है। फिर 10-15 मिनट के बाद में वो होश में आता है और उसको कुछ याद रहता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि वो कहीं भी गिर जाता है तो उसको मार लगती है, सिर को मार लगती है, यहाँ कहीं चोट बैठ जाती है, कोई कोने पे गिर गया तो वहाँ उसको मार बैठ जाती है, जख्म हो जाती है। उसको दवा चालू थी मगर दवा से फ़ायदा नहीं था। क्या होता है कि ये जो लोग हैं फिट्स वाले या एपिलेप्सी वाले जो लोग हैं, इनका क्या है कि इनको दवा लोग देते हैं मगर दवा एक तो लोग लेते नहीं, जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे दवा लेते नहीं, या फिर दवा कम पड़ती है फिर दवा बढ़ा के देना पड़ता है। समझो दवा बढ़ा के भी दिया, कम भी नहीं पड़ती है, बराबर एडिक्वेट हो गया, कंट्रोल हो गया, तो लोग बोलते हैं हाँ 6 महीने हो गए अभी फिट नहीं आए तो अभी बंद कर डालो। तो बंद नहीं करना है, 3 साल तक दवाई लेनी पड़ती है और 3 साल का ऐसा पीरियड गया कि जो 3 साल में एक भी झटका उसको आया नहीं तो फिर समझ जाना कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी दवा बंद कर सकते हैं। ये जो पेशेंट था इसको दवा चालू थी मगर दवा उसको कम पड़ रही थी, उसका डोज कम पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको दवा बढ़ा के दिया, उसका डोज बढ़ा के दिया, उसके वेट के हिसाब से कम था और उसमें फिर और एक एडिशनल दवाई मैंने उसको दिया, 2 दवाई चालू कर दिया क्योंकि 1 दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा था। कभी कभी क्या होता है कि ये जो फिट है, एपिलेप्सी है, ये कोई कारण से आती है और कारण मतलब ब्रेन में ट्यूमर हो, गठान है, ब्रेन में टीबी है, सिस्ट है ब्रेन में, या फिर ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है मतलब सूजन आई हुई है, या ब्रेन के अंदर कोई गुठली तैयार हो गई खून की या मार पड़ा हुआ है, या ब्रेन को ऑक्सीजन गया नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ब्रेन का प्रॉब्लम है, ब्रेन की समस्या है, ब्रेन की बीमारी है कि जिसके वजह से फिट आती है। तो उसके लिए हरदम हम बोलते हैं कि नहीं एक बार सीटी स्कैन कर लो या एमआरआई कर लो। तो एमआरआई जब करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, असली कारण मालूम पड़ता है कि ब्रेन में खराबी है क्या, क्योंकि कुछ एपिलेप्सी ऐसी रहती है जिसको हम प्राइमरी एपिलेप्सी बोलते हैं जिसमें ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम रहता नहीं है, ओनली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा पैमाने में एकदम तैयार हो जाते हैं और ब्रेन को फिर बाद में फिट दिखाई देती है बॉडी में। और कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ज़्यादा होने से आदमी बेहोश पड़ जाता है। कुछ जो है बीमारियाँ वो सेकेंडरी एपिलेप्सी है जिसमें कुछ तो भी प्राइमरी बीमारी रहती है और वो बीमारी की वजह से फिट आती है, तो वो भी देखना पड़ता है कि कोई बीमारी है क्या पहली, पहली बीमारी है तो उसका इलाज करो, क्योंकि सिर्फ फिट का इलाज करके फ़ायदा नहीं होगा। समझो टीबी है तो टीबी का इलाज करना पड़ेगा, सूजन है तो सूजन का इलाज करना पड़ेगा, मार लगी है, गठान है खून की तो उसका इलाज करना पड़ेगा, ट्यूमर है तो वो निकालना पड़ेगा, तो वो करते हैं तो फिर फिट ठीक हो जाए। कुछ कुछ ऐसी फिट होती है कि बोलते बोलते एकदम आदमी ऐसा शांत हो जाता है और बाद में एकदम होश में आ जाएगा, काम करना चालू करेंगे। उसको पूछा क्या हो गया, बोले मालूम नहीं क्या हो गया, तो मतलब कुछ सेकंड तक उसका होश जो है निकल जाता है। और ऐसा काफ़ी बार होता है दिन भर में, हमको क्या लगता है कि ये ऐसे कुछ तभी आदमी है, ये ख्याल ही नहीं रहता है या ऐसा क्यों करता है, उसको एक्चुअली एपिलेप्सी रहती है, पेटिट माल एपिलेप्सी। कुछ कुछ लोग क्या होता है कि एकदम वायलेंट हो जाते हैं, बहुत वायलेंट, बहुत आक्रामक, मारपीट करना, एकदम भाग दौड़ करना, और वो उनका 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक चलता है और बाद में एकदम अच्छे हो जाएंगे। उनको पूछा क्या हो गया, बोले मेरे को मालूम नहीं, एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये लोगों को एक्चुअली पागल है करके हमारी तरफ लाया जाता है कि ये पागल है, ये पागल जैसे हरकतें करता है, मारपीट करता है और ये 4 साल से चालू है बोलते, क्या होता मिसगाइड हो जाता है। एक्चुअली वो 4 साल से है, बराबर है, मगर 4 साल से उसको दौरे आ रहे हैं, ऐसे कंटिन्यूअस बीमारी नहीं है,
फिर जब हम पूछते हैं तो हमारे मालूम पड़ता है कि ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, जिसमें एकदम वायलेंट हो जाना, आक्रामक हो जाना, मारपीट करना कुछ सेकंड तक है, आवाज आ जाना, कोई दिखना, उसमें भाग दौड़ करना, ठीक एकदम ठीक हो जाता हो, तो वो उसको टेम्पोरल एपिलेप्सी हो सकती है। ऐसे अनेक अलग अलग एपिलेप्सी के प्रकार है, तो वो ठीक करने पड़ते हैं और पेशेंट उसका जीवन अच्छा जी सकता है। क्या होता है कि एपिलेप्सी ठीक नहीं हुई तो हर झटका जो आता है वो आदमी को अपने पीछे ले जाता है, आईक्यू में बोलो या जनरल नॉलेज में बोलो, पीछे ले जाता है। एक झटका आ गया तो पीछे, मतलब जो भी सीखा हुआ है पीछे, ब्रेन को मार पहुंचती है हर फिट में। तो फिट्स कंट्रोल होना जरूरी है, फिट्स कम होके कुछ फायदा नहीं है। लोग बोलते हैं पहले से फिट कम हो गई, फिट कम होके होता नहीं है, फिट बंद होना जरूरी है, कंप्लीटली स्टॉप्ड। तो वो हमें आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप जिनको जिनको जहां जहां जिनको फिट आ रही है वो हमें नंबर दिए हुए, उसके ऊपर आप कॉल करो, ऑनलाइन कंसल्टेशन हम करते हैं। फिट की बीमारी होंगी तो हम उसका इलाज कर सकते हैं, आप वो इलाज करने के लिए हमें संपर्क करो, ऑनलाइन कंसल्टेशन है, आप हमारी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बनिएगा। ये ऐप में भी हमारे काफ़ी सारे वीडियोज है, तो ऐप आप डाउनलोड कर लो, उसमें भी आपको काफ़ी वीडियोज मिल जाएंगे, जिसमें कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑनलाइन वीडियोज देके अपना खुद का एजुकेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।